राजस्थान के रण में आज राहुल गांधी ने कांग्रेस के लिए ताबड़तोड़ रैलियां कर सूबे में कांग्रेस की सरकार बनाने का दावा किया। तो बीजेपी की तरफ से पार्टी अध्यक्ष और जेपी नड्डा ने भी दो रैलियों के जरिए सूबे में कमल खिलने का दावा कर दिया। हालांकि रैलियों की शुरुआत से पहले जयपुर पहुंचे राहुल गांधी की अगुवानी को एयरपोर्ट पहुंचे सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट। कांग्रेस में ऑल इज वेल का इन्होंने संकेत दिया। राहुल के साथ दोनों नेताओं की तस्वीरें सुर्खियों में आ गई। देखिए एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। गहलोत और पायलट के बीच की खींचतान भले ही खत्म ना हुई हो, लेकिन जयपुर एयरपोर्ट से आई इन तस्वीरों ने चुनाव से पहले कांग्रेस कार्यकर्ताओं की उम्मीदें तो बढ़ा ही दी होंगी। राहुल जी, एयरपोर्ट पर राहुल गांधी की अगवानी करने पहुंचे दोनों नेताओं ने न सिर्फ एक दूसरे की तरफ हाथ बढ़ाया बल्कि राहुल की अगुवाई में साथ चलने का इरादा भी जाहिर कर दिया। खुद राहुल गांधी का उत्साह भी दोनों के साथ दूना हो गया। मीडिया ने जब ये सवाल दागा, राहुल ने कांग्रेस जीत का दावा भी कर दिया। एक साथ नजर नहीं आ रहे हैं, एक साथ हैं, एक साथ रहेंगे और कांग्रेस पार्टी यहां स्वीप करके चुनाव जीतेगी। धन्यवाद। राहुल जब दोनों के साथ वाली बात कहते हैं तो गहलोत और पायलट दोनों मुस्कुरा देते हैं और इसी मुस्कुराहट की ताकत लिए राहुल राजस्थान के चुनावी रण में कूद पड़ते हैं। सीधा निशाना पीएम मोदी बनते हैं। जितना पैसा बीजेपी की सरकार ने अदानी जैसे लोगों को दिया है, उतना पैसा आप राजस्थान के गरीब लोगों के बैंक अकाउंट में डालिए। और मैं बता रहा हूं अभी हमने शुरू किया है, अभी आपने कुछ नहीं देखा आपने। मैं बता रहा हूं जितने पैसे इसने अदानी को दिए हैं उतने पैसे मैं हिंदुस्तान के गरीब के हाथ में डालूंगा, एक एक पैसा नहीं छोड़ूंगा। और आप जानते हो मैं नरेंद्र मोदी नहीं हूं, झूठे वायदे नहीं करता हूं, एक बार बोल दिया तो करके दिखाता हूं। श्री गंगानगर के मंच से राहुल गांधी ने 15-15 लाख के वादे का सवाल उछालकर बीजेपी की दुखती रख छोड़ दी, लेकिन जयपुर से राजस्थान बीजेपी का घोषणा पत्र जारी कर महुआ पहुंचे पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुफ्त राशन का जिक्र कर कांग्रेस को आईना दिखा दिया। नरेंद्र मोदी जी ने आपसे वायदा किया था 15 लाख रुपए का बैंक अकाउंट में देने का, मिल गया? नहीं मिला ना आपको, और मिलेगा भी नहीं कभी। मगर भाइयों और बहनों 14.5 लाख करोड़ रुपए, साढ़े चौदह लाख करोड़ रुपए नरेंद्र मोदी ने हिंदुस्तान के अरबपतियों का कर्जा माफ किया है। कांग्रेस पार्टी जहां 9 लाख गरीबों को आवास योजना आपसे छीनती है, वहीं मोदी जी आपको 14 लाख से ज्यादा आवास योजना में मकान देकर के पक्का मकान देने का काम करते हैं, ये भी हमको ध्यान में रखना है। जहां कांग्रेस पार्टी आपको गरीबी की तरफ धकेलती है, वहां प्रधानमंत्री मोदी जी 80 करोड़ की जनता को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना में मुफ्त राशन देकर के 13.5 करोड़ लोगों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठा देते हैं और विकास की ओर उनको ले चलते हैं, ये हमारा लक्ष्य है। राहुल ने दावा किया कि कांग्रेस गरीबों की हितैषी है जबकि बीजेपी सिर्फ 2-4 धन कुबेरों का हिंदुस्तान बनाना चाहती है, लेकिन नड्डा ने कांग्रेस को भ्रष्टाचार और वंशवाद का पर्याय बताकर हिसाब चुकता कर दिया। हम चाहते हैं कि बड़ा सा बड़ा सपना किसान का बेटा देखे, मजदूर का बेटा देखे, छोटे दुकानदार का बेटा देखे, अंग्रेजी पढ़े। एक ऐसा दिन आए जब मजदूर का बेटा अमरीका में जाके बिजनेस खोले, अमरीका की कंपनी में जाके काम करे, करोड़ों रुपए का की सैलरी पाए। हम ऐसा हिंदुस्तान चाहते हैं, ये दो हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। एक तरफ किसान मजदूर खून पसीना दे अपना, दूसरी तरफ 5-10 उद्योगपति हवाई जहाज में उड़े, लाखों रुपए हर रोज खर्च करे, ऐसा हिंदुस्तान नहीं चाहिए हमें। कांग्रेस मतलब भ्रष्टाचार, कांग्रेस मतलब अनाचार, कांग्रेस मतलब व्यभिचार, कांग्रेस मतलब आपके हक हुकूक पर डाका, कांग्रेस का मतलब है वंशवाद, कांग्रेस का मतलब है परिवारवाद, कांग्रेस का मतलब है
पर मेवा खाना ये कांग्रेस का लक्ष्य है। और दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है विकास, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है तरक्की, भारतीय जनता पार्टी का मतलब है आपके लोगों की चुनी हुई और लोगों के हित में काम करने वाली सरकार। भारतीय जनता पार्टी का मतलब है कि हम लोगों के हित के साथ जुड़कर महिलाओं के हित की चिंता करना, किसानों के हक की चिंता करना, युवाओं को उसका हक दिलाना, नौजवानों के साथ खड़े होना और राजस्थान को एक विकसित राज्य के रूप में आगे बढ़ाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य। राजस्थान के रण में राहुल गांधी ने जाति गणना का भी सवाल उछाला तो लगे हाथ ये वादा भी कर दिया कि अगर सूबे में फिर से पार्टी की सरकार बनी जाति गणना होकर रहेगी। लेकिन बीजेपी की तरफ से इसका कोई सीधा जवाब नहीं आया। नड्डा ने राजस्थान में बीजेपी की हवा बताकर रिवाज के बरकरार रहने का दावा कर दिया। कांग्रेस पार्टी राजस्थान में जाति जनगणना, कास्ट सेंसस का सर्वे करेगी और देश में हमारी सरकार आएगी तो मैं आपको गारंटी करके कह रहा हूं, और मैं झूठे वायदे नहीं करता हूं, मैं 15 लाख की बात नहीं करता हूं, मेरी आंखें देख लो, मैं आपको कह रहा हूं जैसे ही हिंदुस्तान में कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी हम जाति जनगणना उस दिन शुरू कर देंगे। और पिछड़ों की जितनी आबादी है उतना हक हम हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी हिंदुस्तान के पिछड़ों के हवाले कर देंगे। प्रधानमंत्री जी ने पिछले 6 महीने में 6 लाख लोगों को सरकारी नौकरी का अपॉइंटमेंट लेटर उनके हाथ में दिया है कि नहीं दिया है? दिया है कि नहीं दिया है? और आज हमने घोषणा की है राजस्थान में युवाओं को 5 साल के अंदर 2.5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएगी, इस बात को हम ध्यान में रखें। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान, चुनाव प्रचार में राहुल की जुबान पर बीजेपी के खिलाफ फिर ये जिक्र आया। लेकिन नड्डा ने दावा किया कि नफरत तो कांग्रेस की सरकार फैलाती है, उत्पीड़न अन्याय और अत्याचार भी करती है। जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं नफरत तो फैलाते हैं, एक जात को दूसरी जात से लड़ा देंगे, धर्म को दूसरे धर्म से लड़ा देंगे। इलाज कांग्रेस पार्टी करती है, उनके नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल देते हैं हम जाके। पहली बात कि राजस्थान की सरकार महिला उत्पीड़न के लिए जानी जाती है, महिलाओं के साथ अन्याय के लिए जानी जाती है और महिलाओं पर अत्याचार के लिए जानी जाती है। आज राजस्थान की सरकार किस बात के लिए जानी जाती है? राजस्थान की सरकार, गहलोत की सरकार इस बात के लिए जानी जाती है कि इन्होंने किसानों के साथ धोखा किया, छल किया और इनका नुकसान पहुंचाया। आज राजस्थान की सरकार किस लिए जानी जाती है? यह जानी जाती है जो राजस्थान शांत प्रिय राजस्थान था आज वहां तन से जुदा ये विषय, सर तन से जुदा ये नारे लग रहे हैं। 200 सीटों वाले राजस्थान विधानसभा की 199 सीटों पर एक ही चरण में 25 नवंबर को वोटिंग होनी है। करणपुर विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी और मौजूदा विधायक गुरमीत सिंह कुन्नर के निधन के कारण इस सीट पर मतदान बाद में होंगे। कांग्रेस पार्टी के जी श्रीवत्सव, जयपुर, न्यूज 24, राहुल गांधी।